हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको हैज और हैव के इस्तेमाल बताया था, जिसमें से मैंने आपको तीन तीन तरीके से बनाना सिखाया था। इसमें एक गॉट लगाकर और एक में हैविंग लगाकर, ओके फ्रेंड्स, और एक सिंपल में। तो आज हम उसी के नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क के आंसर, ओके फ्रेंड्स। तो ये रहे पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर। अगर आपने बनाया है तो इसे आप अच्छी तरह से मिला लो, मैच कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वो सुधार लो, ओके फ्रेंड्स। तो उसके पास पैसे हैं, तो ये मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था, ही हैज़ मनी, ओके फ्रेंड्स। तीन तरीके से बताया था, ही हैज़ गॉट मनी, ही इज़ हैविंग मनी, ओके फ्रेंड्स। अभी हम इसका नेगेटिव सीखेंगे, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो एक सिंपल वे होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर बनाना, ही हैज़ नॉट मनी, ओके फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को तीन तरीके से बनाना सिखाया था हैज़ वाले, तो तीनों में नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर बना देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर गॉट वाला है तो ही हैज़ नॉट गॉट मनी, अगर हैविंग वाला है तो ही इज़ नॉट हैविंग मनी, ओके फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एक सीखने वाली चीज़ है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, वो डू और डज का इस्तेमाल करके करते हैं। तो इसमें डू और डज कहाँ लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, नीड वाले में भी बताया था, और पहले भी कई दफ़ा बताया मैंने कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि आई और यू को छोड़ के, आई और यू के साथ डू ही लगता है, ठीक है, आई और यू के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे तो डोंट हो जाएगा। बाकी इन दोनों को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में अगर एक नंबर की बात हुई, एक सिंगुलर नंबर की बात होती है किसी भी सेंटेंस में इन दोनों को छोड़कर, तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है, एक के लिए। यानी कि सब्जेक्ट अगर एक हो तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें डज लगेगा, ठीक है, जिसमें डज हैज़ लगता है उसमें डज लगता है। सिंपल आप समझ लो कि जो भी सेंटेंस हैज से बनता है उसमें डज नॉट लगेगा, और जो हैव से बनता है उसमें डोंट लगेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, ही डजंट हैव मनी, ओके फ्रेंड्स। अब इसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या उसके पास पैसे हैं, तो हैज़ ही मनी, हैज़ ही मनी। दूसरा तरीका, डज ही हैव, इसमें डज लगेगा तो डज ही हैव मनी। अच्छा, अभी अगर हम गॉड से बना रहे हैं या हैविंग से बना रहे हैं तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले ला देंगे। जैसे कि हैज़ ही हैज़ गॉट मनी, तो हैज़ ही गॉट मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, या हैविंग से बना रहे हैं तो इज़ ही हैविंग मनी, ओके फ्रेंड्स, सिंपल है। अभी उसके पास कितने पैसे हैं, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, तो हाउ मच पहले लिखेंगे हम, हाउ मच मनी हैज़ ही, ओके फ्रेंड्स। या डू डज से अगर हम बना रहे हैं तो हाउ मच मनी डज ही हैव, ओके फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल है, डू डज का आपने इस्तेमाल सीख लिया है तो काफ़ी समझने में आसान हो जाएगा आपके लिए। और डू डज का इस्तेमाल ही ज़्यादातर करते हैं लोग बोलचाल में भी, आई डोंट हैव मनी, डू यू हैव मनी, वाई डोंट यू हैव मनी, ऐसा ज़्यादा बोलते हैं, वाई हैव यू नॉट मनी, इसका इस्तेमाल कम होता है। हालांकि गलत नहीं है, सही है, करेक्ट है, बट इस्तेमाल ज़्यादातर लोग डू डज से करते हैं, इसलिए आपको डू डज को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके फ्रेंड्स। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। उसके पास गाय है, ही हैज़ काउ, उसके पास गाय नहीं है, ही हैज़ नॉट काउ, या ही डजंट हैव काउ, क्या उसके पास गाय है, हैज ही काउ, या डज ही हैव काउ, क्या उसके पास गाय नहीं है, हैजंट ही काउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हैज और नॉट को हम साथ में रखते हैं तो हैजंट बन जाता है, तो हम यहाँ पर हैजंट बोलेंगे, हैजंट ही काउ। या डू डज से बनाते हैं तो डजंट ही हैव काउ, उसके पास कितनी गाय है, हाउ मैनी काउज हैज ही, या हाउ मैनी काउज डज ही हैव, उसे हिम्मत है, ही हैज़ करेज, उसे हिम्मत नहीं है, ही हैज़न्ट
करेज या ही डजंट हैव करेज, क्या उसे हिम्मत है, हैज ही करेज, या डज ही हैव करेज, क्या उसे हिम्मत नहीं है, हैजंट ही करेज, या डजंट ही हैव करेज, उसे बुखार है, ही हैज फीवर, उसे बुखार नहीं है, ही हैजंट फीवर, या ही डजंट हैव फीवर, क्या उसे बुखार है, हैज ही फीवर, या डज ही हैव फीवर, उसे बुखार कैसे है, हाउ हैज ही फीवर, या हाउ डज ही हैव फीवर। उन लोगों के पास कुछ बंदूकें हैं, दे हैव सम गन्स। उन लोगों के पास कुछ बंदूकें नहीं हैं, दे हैव नॉट सम गन्स, या दे हैवंट सम गन्स, या दे डोंट हैव सम गन्स। क्या उन लोगों के पास कुछ बंदूकें हैं, हैव दे सम गन्स, या डू दे हैव सम गन्स। उन लोगों के पास बंदूकें क्यों हैं, व्हाई हैव दे गन्स, या व्हाई डू दे हैव गन्स। मेरे भाई के पास बहुत सारे खिलौने हैं, माई ब्रदर हैज सो मैनी टॉयज। मेरे भाई के पास बहुत सारे खिलौने नहीं हैं, माई ब्रदर हैजंट सो मैनी टॉयज, या माई ब्रदर डजंट हैव सो मैनी टॉयज। क्या मेरे भाई के पास बहुत सारे खिलौने हैं, डज माई ब्रदर हैव सो मैनी टॉयज। मेरे भाई के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं, हाउ हैज माई ब्रदर सो मैनी टॉयज, या हाउ डज माई ब्रदर हैव सो मैनी टॉयज। तुम्हारे पिताजी के पास दो नौकर हैं, योर फादर हैज टू सर्वेंट्स। तुम्हारे पिताजी के पास दो नौकर नहीं हैं, योर फादर हैजंट टू सर्वेंट। क्या तुम्हारे पिताजी के पास दो नौकर हैं, डज योर फादर हैव टू सर्वेंट्स। फ्रेंड्स, मैं अब डायरेक्ट बनाते जा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि डू डज से भी बना सकते हैं और हैज लगा कर भी बना सकते हैं, तो आप ये मत समझना कि जिसको मैं सिर्फ डज लगा कर बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ डज से ही बनेगा, उसमें हैज लगा कर भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी के पास कितने नौकर हैं, हाउ मैनी सर्वेंट्स हैज योर फादर, या हाउ मैनी सर्वेंट्स डज योर फादर हैव। गाय के चार पैर होते हैं, काउ हैज फोर लेग्स। गाय के चार पैर नहीं होते हैं, काउ हैजंट फोर लेग्स। क्या गाय के चार पैर होते हैं, डज काउ हैव फोर लेग्स। किसके पास बंदूक है, हु हैज गन। इसमें हु डज हैव गन नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, हु हैज गन बोलेंगे, या हु हैज गॉट गन बोल सकते हैं, या हु इज हैविंग गन भी बोल सकते हैं। किस आदमी के पास तुम्हारी किताब है, विच मैन हैज योर बुक। किसके पास बुक नहीं है, हु हैज नॉट बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, खुद क्रिएट करने की कोशिश करना सेंटेंसेस को और बनाना। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वे है, आप रोज प्रैक्टिस करके बनाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।